नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कि आज सराफा बाजार में सोने और चांदी का क्या भाव चल रहा है। इसी के साथ में जानेंगे आज की पांच बड़ी खबरों को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ में इस वीडियो के अंदर छुपा है एक छोटा सा सामान्य ज्ञान का प्रश्न, जिसका सही जवाब देने के बाद में आप जीत सकते हैं मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर पेटीएम कैश। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है। चलिए तो आज की पहली खबर भारतीय मौसम विभाग को लेकर आ रही है। आईएमडी अलर्ट है, भारत में 1 जून को दस्तक देगा मानसून। जी हाँ दोस्तों, मानसून की पहली बारिश 1 जून के आसपास दक्षिणी तट के माध्यम से भारत में प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 4 महीने तक पड़ने वाली बारिश भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। तो ऐसे में भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की शुरुआत 1 जून 2020 के आसपास हो सकती है। और इसके बाद में अगली खबर है 1 जून से बदलने वाले रेलवे, राशन कार्ड, फ्लाइट से जुड़े ये पांच नियम। जी हां मित्रों, 1 जून से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई चीजें बदलने वाली है, जिसमें रेलवे, बस, राशन कार्ड और एयरलाइन से जुड़े बदलाव शामिल है। और इनका सीधा असर देश के सभी नागरिकों के ऊपर पड़ेगा। और इसमें पहला जो बदलाव है, चलेगी 200 स्पेशल ट्रेनें। जी हां दोस्तों, कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को राहत के लिए भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। दरअसल आपको पता ही होगा, लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में कई प्रवासी मजदूर फंस चुके हैं, और इसको लेकर रेलवे ने यह बड़ा ऐलान किया है। अच्छा, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। प्रवासी मजदूरों से यात्रा किराया न लिया जाए और उन्हें भोजन पानी भी दिया जाए। जी हाँ, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान वापस घर जाने वाले संघर्ष करते रास्ते में फंसे मजदूरों को राहत देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे वापस जाने वाले मजदूरों से बस या फिर ट्रेन का किराया ना वसूल करें, उन्हें भोजन पानी दिया जाए। और यह भी कहा है कि राज्य की सरकारें प्रवासी मजदूरों को उनके घर पर पहुंचाने के लिए सहायक डेस्क लगाकर उनका पंजीकरण करें, और जो भी मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें बस या ट्रेन के माध्यम से जाने की अनुमति दे। ओके, तो दूसरा जो बदलाव होने वाला है, 1 जून से शुरू हो रही है ये नई स्कीम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार आगामी 1 जून से अपनी महत्वाकांक्षी योजना यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड को देश भर के 20 राज्यों में लागू करने जा रही है। और इसके बाद में इन 20 राज्यों में राशन कार्ड धारक किसी भी प्रदेश, किसी भी राज्य के सरकारी राशन केंद्र से राशन खरीद पाएंगे। केंद्र सरकार की इस योजना का सबसे अधिक फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा, जो कि दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। और इसके बाद तीसरा जो बदलाव है, 1 जून से चलेगी उत्तर प्रदेश रोडवेज। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश रोडवेज प्रबंधन ने 1 जून से बसें चलाने की कार्य योजना बनाई है। और चौथा जो बदलाव है, शुरू हो रही है गो एयर फ्लाइट्स। जी हाँ दोस्तों, बजट कैरियर गो एयर सरकारी निर्देशों और नियमों का पालन करते हुए 1 जून से अपनी घरेलू उड़ानें शुरू करने वाला है। पांचवा जो बदलाव होगा, महंगा हो सकता है पेट्रोल। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन 4 में जिस तरह से ढील दी गई है, कई राज्यों में पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को खोल दिया गया है। और इसके बाद में फ्यूल यानी कि पेट्रोल की मांग बढ़ने से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो सकता है। अगली खबर है, आधार की मदद से बस 10 मिनट में बन जाएगा आपका पैन कार्ड, वित्त मंत्री ने शुरू की सुविधा। जी हां मित्रों, अगर आपके पास में आधार कार्ड है और उड़ाई के डेटाबेस में आपका मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड है, तो आपका पैन कार्ड झटपट बन जाएगा। पैन कार्ड के तत्काल आवंटन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को औपचारिक तौर पर इस सुविधा की शुरुआत की है। पैन कार्ड बनवाने की इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें वक्त बिल्कुल नहीं लगता और यह सुविधा मुफ्त में मिलती है। और इस प्रक्रिया से प्राप्त पैन कार्ड को ई पैन का नाम दिया गया है। और इसकी अधिक जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, जहां से चुटकियों में आधार कार्ड की मदद से आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं। तो अगली खबर है, आसान किस्तों पर घर ले जाए मारुति की कारें, 1 लाख रुपए पर 899 रुपए की ईएमआई। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने गुरुवार को कहा कि उसने नई कार खरीदने वालों के लिए आसान शर्तों पर लोन की योजनाओं की पेशकश करने के लिए HDFC बैंक के साथ में समझौता किया है। और इसमें आपको कार खरीदने पर ईएमआई भुगतान के कई तरह के प्लान मिलेंगे। मारुति सुजुकी इंडिया ने बयान में बताया कि योजनाओं में फ्लेक्सी मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई का विकल्प शामिल है, जिसके तहत ग्राहक हर साल 3 महीने कम ईएमआई का लाभ उठा सकते हैं। और इसके तहत पहले 6 महीने कर्ज की किस्त यानी कि प्रति 1 लाख रुपए पर मात्र 899 रुपए की ईएमआई ही चुकानी होगी। तो इस तरह के कई ऑफर मारुति सुजुकी इंडिया के द्वारा दिए जा रहे हैं। यदि आप भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए तो बात करेंगे सोने और चांदी के दाम की। सबसे पहले जानेंगे 22 कैरेट के अनुसार
अनुसार सोने का दाम तो आज गिरावट देखने को मिली है। प्रति एक ग्राम के अनुसार 4,560 रुपये, प्रति 8 ग्राम के अनुसार 36,480 रुपये, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 45,600 रुपये और 100 ग्राम के अनुसार 4,56,000 रुपये 22 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वहीं दोस्तों बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,740 रुपये, प्रति 8 ग्राम के अनुसार 37,920 रुपये, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 47,400 रुपये और 100 ग्राम के अनुसार 4,74,000 रुपये 24 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। और इसी के साथ में भारत के बड़े शहरों में आज सोने के दाम की बात की जाए 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार, तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन के ऊपर दी गई है। बात करें चांदी के दाम की, तो प्रति किलोग्राम के अनुसार चांदी का भाव 48,500 रुपए पर पहुंच चुका है। इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध कुंभ का मेला उत्तराखंड के कौन से शहर में लगता है। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रेंडमली प्रकाशित किए जाएंगे और उनको दिया जाएगा गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर पेटीएम के। तुरंत इसका जवाब नीचे कमेंट करने के बाद में इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।